है फर्नीचर के लिए, अगर आपको कोई फर्नीचर लेना ऑफिस के लिए 10 लाख रुपये सेंक्शन है, और साथ में लिखा है कि आपके पास इस बार 2 लाख रुपये दिए गए हैं लाइब्रेरी के लिए, ताकि आपके ऑफिस में लाइब्रेरी बने और लोग अच्छा पढ़े लिखे। इस तरह से जब बजट पास होता है ना, बड़ा फिक्स पैसा होता है किस चीज़ के लिए कितना पैसा है, इस पैसे में से लाइब्रेरी के लिए खर्च करना है, तो जो ये अथॉरिटी है उसके हाथ में इतना होता है कि कोटेशन मंगवाई 3-4 लोगों से, जो बेस्ट कोटेशन है उसको ऑर्डर जारी कर दिया, आया वहां से उसको पे कर दिया, तो इतना डिस्कशन रहती है। अब सरकारी कर्मचारी कैसे होते हैं, बड़ा संभल संभल के, जैसे आप में से कुछ लोग जो खाना खाते होंगे ना, जैसे मेरी सब्जी बहुत अच्छी है किंतु कम है, रोटी या 3 खानी है, सब्जी बहुत अच्छी है किंतु बहुत कम है, ऐसे कभी जीवन में होता है? तो वो क्या करते हैं, बड़ा किफायत से खाते हैं, रोटी का टुकड़ा बड़ा लेते हैं, सब्जी को केवल टच कर लेते हैं, रंग उसमें कलर उसमें आ जाए, है ना, कम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस चक्कर में आखिरी रोटी में सब्जी नॉर्मल से ज्यादा बच जाती है, और फिर आपको अति व्यय करके उसे निपटाना पड़ता है, छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, टेस्टी छोड़ेंगे क्यों, और अंत में सब्जी भर भर के खाते हैं, सब्जी दिखती ज्यादा रोटी दिखती है थोड़ी सी, तब पैसा हो जाता है। पहले से पता रिसोर्सेज इतने हैं तो हम उसी हिसाब से अनुपात में खाते रहते हैं, कभी कभी अनुपात बिगड़ जाता है। तो सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति उसी स्थिति में रहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, टेस्टी किंतु कम सब्जी वाली स्थिति में। तो क्या करता है, जैसे अप्रैल में आप उससे पूछेंगे कि सर लाइब्रेरी के पैसे हैं, किताब खरीदेगा, नहीं ऐसे कैसे, पूरा साल पढ़ाई तो बाद में देना पड़ेगा, तो सर फर्नीचर चाहिए एक टेबल, नहीं नहीं पूरा साल पड़ा, बाद में क्या करेंगे, अभी नहीं, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, ऐसे करते करते क्या होता है, जो गौण मद होती है ना, गौण जो मदें हैं उनका पैसा खर्च नहीं हो पाता, तो पता लगता है कि फरवरी आ गया है और फरवरी खत्म होने वाला है और ये 10 लाख में से 9 लाख बचा हुआ है, और अगर कंजूस टाइप का बॉस हुआ, इस 2 लाख में से 1,95,000 बचा रखा है उसने अब तक, कि तो पूरा साल पड़ा है, इस तरह से कह कह के बचा लिया, अब मार्च आ गया। भारत सरकार का नियम यह है कि 31 मार्च की रात 11:59 होते ही जितना जितना पैसा जिस जिस विभाग में बचा है वो सारा का सारा पहुंच जाता है वापस भारत की संचित निधि में। रात के 11:59 पे एक एंटर होता है, सारा पैसा निकल जाता है वहां से और सब ठंड ठंड गोपाल हो जाते हैं उस समय। उसके 1-2 मिनट के बाद फिर से एक एंटर मारते हैं तो जो ग्रांट्स मिली होती है नए साल के लिए, पहले 2 महीने के लिए आमतौर पर सेंक्शन होने से पहले मिल जाती है, तो वो जो ग्रांट्स हैं, क्या वोटर अकाउंट बोलते हैं ना उसको, वोटर अकाउंट जो पास हुआ 2 महीने के लिए, वो 2 महीने का पैसा हर मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये नया पैसा है, पहले जो चला गया वो चला गया, आप ये नहीं कह सकते कि पिछले साल का बचा हुआ 9 लाख इस साल कितना आया, क्योंकि नहीं पिछले साल तुमने 1 लाख खर्च किया, इस समय 1 लाख चाहिए था तुम्हें, इस साल 1 लाख भेजा है, 9 चला गया वापस, अब आया भी 1 लाख है इस बार, ये जो जीरो बेस बजटिंग है ना उसके बाद से मामला और बिगड़ गया है। अगले साल का पैसा इस बेस पे नहीं मिलता कि पिछले साल क्या खर्च हुए थे, अब मतलब जीरो बेस में क्या कि मान के चलेंगे कि जरूरत नहीं है आपकी, नए सिरे से देखेंगे जरूरतें क्या है। पहले क्या था कि 10 लाख फिक्स था, असल 10 लाख मिलता रहता, 10 हो गया, 2 साल बाद 11 कर दिया, फिर 12 कर दिया, अब जीरो बेस बजटिंग है, और यदि एक बार आपने खर्च नहीं किया तो ये मैसेज और जल्दी जाता है कि आपको जरूरत नहीं है, मूल्यांकन बहुत ज्यादा होता है। तो मार्च में सरकारी विभाग पागल हो जाते हैं सारे के सारे, जितने प्राइवेट वेंडर सरकार के साथ काम करते हैं उनको देखिए मार्च में फुर्सत नहीं होती उनके पास, जनवरी से उनके मतलब पॉप बारह होने लगती है कि बस अब महीना आने वाला है मार्च का हमारा, जैसे आप लोग फरवरी के नाम से खुश होते हैं ना, मार्च के नाम से खुश होते हैं, अपना अपना कारण है। तो मार्च में 31 मार्च से सारा पैसा फूंक देना है, 1,95,000 की बुक्स आनी है, बुक है ही नहीं इतनी, जितनी बुक चाहिए विभाग के लोगों को पढ़ने के लिए वो सारी 10,000 रुपये की, तो नहीं चाहिए, तुम्हें काम करो हर किताब की 20-20 कॉपी ला दो, हम 20-20 रखेंगे यहाँ पर, रद्दी में बेचेंगे अगले साल, लेकिन तुम ला के दो, और कुछ नहीं बोलने का, चौराहे पे जाओ, सड़क पे जाओ, जो नीचे रखा है ना वो सब ले आओ, वर्दी वाला गुंडा लेके आओ 50 कॉपी, वो हम सब पढ़ेंगे, और खून भरी मांग लेके आओ वो जो रखे नीचे, और सिंदूर बनांगारे वो वाला जो है ना वैसे वाले उपन्यास लाओ, हम वो पढ़ेंगे, लेकिन किताब खरीदनी जरूरी है क्योंकि किताब के पैसे हैं, ऐसी फर्नीचर है, टेबल है सही, हाँ चेयर्स भी हैं, फिर फोल्डिंग बेड ले आओ, कोई बात नहीं, कुछ तो लाना चाहिए, ये खेल होता है। तो आप ये बताएं कि इसका कुछ उपाय करना जरूरी है, और कुछ ऐसा हो कि ये मार्च वाला कम